हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, क्योंकि डील्स, अपडेट, सेल्स और जो भी सच्चाई और झूठी खबरें हैं वो सबको क्लैरिफाई करने के लिए मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ चैनल पे। ये सबसे पहले तो अभी आप जो देख के आए हैं ये कि आईफोन 14 34,000 रुपये का मिल रहा है, तो क्या ये सच है या झूठ है? यार ये मैंने थंबनेल नहीं बनाया, ये थंबनेल बनाया यूनिकॉर्न ने, और यूनिकॉर्न बहुत होशियार है ये सब चीज़ें करने में, पहले भी कर चुका है ये। और आपको सीधी बात बोलता हूँ, सीधा वेबसाइट पर चलते हैं और आपको क्लियरिटी से दे देता हूँ बता के कितने का आपको इफेक्टिवली फ़ोन पड़ रहा है और क्या वो बोल रहे हैं। तो यार यूनिकॉर्न बोल रहा है कि फ़ोन आपको पड़ रहा है 34,000 का आईफोन 14, विच इज नॉट क्लोज टू रियलिटी। जो सच बात यह है कि इसमें 24,000 रुपये का तो आपको एक्सचेंज वैल्यू ही मिल रहा है। तो यार मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे फोन की ओरिजिनल कॉस्ट है 69,500 जो समय चल रही है। इसके अलावा अब यहाँ पे 24,700 तो इन्होंने अपने किसी फ़ोन की वैल्यू कंसिडर कर लिया, उसके ऊपर 6,000 रुपये का बोनस भी यहाँ पे माइनस कर दिया, उसके ऊपर 4,000 रुपये का आपके जो HDFC का कैशबैक वो माइनस करके 34,000 रुपये रेट बना दिया है। आईफोन 13 का 28 बना दिया, विच इज़ वेरी बैड काइंड ऑफ क्लिक बेटिंग जो वो ये कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इससे कन्फ्यूजन हो सकती है और सोच सकते हैं कि यार हमें भी इतने का मिल सकता है, या फिर कुछ इसके अंदर आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग में डाउट हो सकता है, जो कि बहुत ही नीचे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हमने 24,000 रुपये का जो अमाउंट है वो हम ले रहे हैं वो हमारा बेसिकली एक सेकेंडरी फ़ोन का है, या फिर जो भी वो फ़ोन की वैल्यू कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर आपको मैं स्क्रीनशॉट में दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आप थोड़ा सा अंदर जाके स्क्रॉल जूम इन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 24,700 की इन्होंने फ़ोन की एक्सचेंज वैल्यू कंसिडर करी है, विच इज़ नॉट राइट। जो इतना छोटा सा लिख के आगे इतना बड़ा बड़ा लिख के भेज दिया है, तो यार ये चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें और कोशिश करें कि यार मतलब ऐसा जो ये मार्केटिंग ऑफर्स हैं इन सबको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कि ताकि आप लेने के टाइम पे आप पहले सिस्टम सेट कर लो और बाद में लेने के टाइम आप निराश ना हो जाए। तो ये टेक्निकली एक बहुत बेकार ऑफर है, और अगर आप ओवरऑल कंसिडर करेंगे ऑफर को तो ठीक है यार, 10,000 रुपये का आपको यहाँ पे एक्सचेंज बोनस और HDFC से डिस्काउंट मिल के 60 के आसपास का पड़ रहा है, जो कि यूजुअली फ्लिपकार्ट की हर सेल में पड़ रहा था। तो ऐसा कोई धमाकेदार ऑफर नहीं है जितना इन्होंने यहाँ दिखा रखा है। यही था आज की वीडियो में, क्लैरिफाइंग वीडियो थी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।